जो लादो भगवान था वह के जाने बालक। चल कबीर अस्थान को पालकियों में बैठे, गरीब दास का सीत जी वो काजी मुल्ला ऐठे। अब क्या बताते हैं कि सिकंदर लोधी ने उस परमपिता को पालकी में बैठाया, पालकी में साथ मोड के मात पिता को आदर के साथ, और वहां से लेकर वहां तक पालकियों में छोड़कर उनके झोंपड़ी तक, और कहां उसको मरवाने के लिए वो कितना दुनिया इकट्ठी हो रही थी। उधर से फिर पंडितों की यही हालत थी, हमारे धर्मगुरुओं की। वो फिर क्या लड़ाई करते हैं भगवान के साथ, कहते पंडित शमटे पुरी के और काजी करी फिलाद, गरीब दास दो दून की ये दिल है खोई दाद। महाराज इसने सारी इज्जत का नाश कर दिया जो लाए ना, पंडित भी और काजी दोनों इकट्ठे हो गए। फिर चार वेद सठ शास्त्र फिर काटे अठारह पुराण, गरीब दास चर्चा करें आज उल्ला शैतान कि तू जो कहता है वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि आ जाए तुम्हारे साथ गोष्ठी कर। पंडित जी बोले, उधर से राजा भी बुला लिया। राजा के सामने ये सब कुछ हो रहा था, सिकंदर लोग भी आता था जब ये पंगा पावे थे, और परमात्मा भी नोचा था कि राजा की अकल ठिकाना रहेगी जब भी बात ठीक कहे। तो उन्होंने क्या किया, राजा से सिकंदर लोधी से कहा कि ये कहता है पुराण में ऐसा लिखा है और वेदों में ऐसा लिखा है, ये हमारे साथ चर्चा करे। वो स्थान निर्धारित हो गया, चारों तरफ उसके पंडित बैठ गए, श्रोता दर्शक बैठ के राजा को आसन अलग दे दिया। अब परमात्मा कहे कि ऐसा लिखा है, वो कहे नहीं लिखा, क्योंकि आम जनता तो समझ नहीं सके थी इसमें लिखा क्या है, वो सारे एक पक्ष में थे। आखिर में फिर उनों के मुख से परमात्मा ने ऐसी दया करी, जब इसमें उनकी दाल नहीं गिरी तो फिर उन्होंने क्या कहा कि हम अनुष्ठान करेंगे। तो कहता है कि इन मूर्तियों में भगवान नहीं है, एक सिद्धि होती है जंतर मंत्र करने से, कुछ वस्तुएं आगे पीछे खिसक जाती है थोड़ी बहुत। तो उन किसी पंडित ने ये सिद्धि कर रखी थी और उसने कह दिया कि ऐसा करने से ये मूर्ति अपने आप, हम जहां आरती कर रहे हैं वहां से उठकर हमारी तरफ चल पड़ती है, नोकिनो पूरी की पूरी। उसने यह सिद्धि कर रखी थी, उसने सारे पंडित वर्णित कर दिए कि इसको बुला लो और उसके बाद वेदों शास्त्रों से ये थक जाएगा, फिर उसके बाद हम ऐसी कोई कंडीशन रखेंगे कि इसको तू बुलाकर दिखा दे अगर तेरे पास भक्ति है तो। तो क्या किया उन्होंने, एक बढ़िया सी चांदी की पाटड़ी बनाई, पटरी तकत सा छोटा सा 3x3 फुट का, और छोटी छोटी टांग सी उसके नीचे पाए बनाकर रखवा रखे, तैयार था पहले। उसके ऊपर सारे भगवानों की मूर्ति धरती रख दी, गणेश गणेश की, दुर्गा जी की, गणेश जी की, विष्णु और लक्ष्मी जी की, शंकर भगवान पार्वती जी की, और फिर फाइनल क्या हुआ, पीतल की मूर्ति। फिर क्या हुआ कि भी अपनी अपनी भक्ति करो दोनों, इधर तो रविदास और कबीर साहब बैठ गए एक साइड में सारे पंडित जी अपने जंतर मंतर करने लगे। अब लीला देखो पुण्यात्माओं, ये सारी की सारी सच्ची है जो दास बताओगा, क्योंकि भगवान ने बता रखी है और गरीब दास जी ने बताई है, भगवान की लीला उनकी दूरदृष्टि खोल रखी। तो क्या हुआ, उन्होंने बीच में जैसे ही रविदास और कबीर साहब वो दो साथी रहते थे, दोनों गरीबदास चमार जाती से और परमात्मा दुल्हा जाती से वेल नोन थे, वैसे संतों की जात नहीं होती, फिर भी उस समय ये जाति भेद गणा था, और एक साइड में पंडित और बीच में अच्छा लीप पोत के उसको वह चौकी दर दी पटड़ी, उस पर सारे देवी देवता रख दिए पांच चार मूर्ति, और कहा कि इन जो इनको अपनी तरफ बुला लेगा पूरी की पूरी मूर्तियों को तो उसकी भक्ति सत्य मानी जाएगी। अब परमात्मा बोला पहले तुम मैं करो पंडितों, हमारे पास तो कोई भक्ति नहीं, तुम मानती नहीं। तो राजा भी बोला ठीक है जी, अगर ये आपकी तरफ आ गई तो हम आपको वैसे मान लेंगे, इनकी रिजेक्ट भक्ति। बोला ठीक है, पंडित हो गए खुश। वो उसने पहले सिद्धि कुछ करे रखी थी,
वो तैयार था ही, हाँ जी ठीक है पहले हम करते हैं। तो वो लगे ना जब अपने दंतर मंत्र करण पढ़ने लगे, वेद व्याज के मंत्र, इतने में कुत्ता आ गया, अरुण के देवताओं के मुंह में मूट कर भाग गया। उसका पीछा पड़े, फिर इतना भाग गया वो कड़ठा था। फिर दोबारा उनको धो मांझ कर फिर सच्ची तरह धरे, कोई ध्यान रखियो कुत्ता ना आ जाए। कहते दूसरी बार फिर कर गया काम, वो फिर मांझे दो एक खूब उसको 10 मिनट 20 मिनट तो उनके मांड दौड़ मर ली तो खूब अच्छी तरह। तीसरी बार फिर कर गया काम। आखिर में फिर तो पुलिस खड़ी कर दी, एक एक सेकंड रखा तो लठमारी उसका, अब वही करो तुम अपना अनुष्ठान। अब उन्हें सिर पटक लिया, वो टस से बस नहीं गया। सिकंदर लोधी को पता था क्योंकि वो सारे लीला देख चुका था। कहा कबीर जी इब आप करो। परमात्मा बोले भी हम सुदर अर्य ब्राह्मण भगवान ते इन स्वच्छ उच्च जाति वालों के ही बांध रखा, इन पटा लिखवा रखा उसका, और इन्हीं को मिलता होगा, हमने हमें कहा मिलेगा, हम शूद्र के पास कैसे आएगा। तो सिकंदर लोधी बोला नहीं आपने कोशिश तो करनी ही पड़ेगी जब मैदान में आए हो। तो परमात्मा ने एक का बार नो कराया था, मंत्र मंत्र तो छोड़ दो, कहते हुए नो की नो चौकी उठकर फिर गोदी मांगी, बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब गरीबदास जी की वाणी और सुनाता हूं थोड़ी सी। कते चार वेद सठ शास्त्र वा काढ़े 18 पुराण, गरीबदास चर्चा करे आदुल्ला शैतान, वो जुल्ला शैतान है और मोमन लाया सीत, गरीबदास उस बुरी में कौन तुम्हारा मीत। आज कौन तेरा साथी तो सबके साथ बिगाड़ कर रखता, सबको ऊट पटांग कहता रहता, तेरे साथ है कोई? एक तो एकल खोरा एकला तन दूजा नहीं सुहाव है, किसे उलाने दे रहे हैं भगवान को। अब किसके साथ बैठे तुम, सारी झूठ अटपट करो, तुमसे बात करे कैसे भगवान। तू एकल खोरा एकला तुम तो दूजा नहीं सुहाए, गरीबदास काजी पंडित अद मारे तुझे हराए, आज हरा देंगे तुमने सारे ज्ञान गुण मर सिद्धियों में। अब परमात्मा क्या कहते हैं, सुन ब्रह्मा के वेद तू नीच जात कुलहीन, गरीबदास काजी पंडित व समटे दोनों दीन, चार वेद सठ शास्त्र वो 18 प्राण की प्रीत, गरीबदास पंडित कहे तो सुन जुल्हे मेरे मीत, ज्ञान ध्यान स्नान कर वो सेवे सालग राम, मूर्तियां पूजा कर दे, और गरीबदास पंडित कहे सुन जुल्हे वरियाम, बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन, गरीबदास जी करे वो भगवान कबीर साहब बोले, बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन, गरीबदास ये पत्थर पटको इब हो ना पद में लीन, तुम इन पत्थरों में क्यों मत्था मार रहे हो, या भक्ति श्याला गुनाम की पूजा कर रहे हो, तो भक्ति करो जो हम बताएं तुम्हारा छुटकारा हो। अनंत कोट ब्रह्मा गए थरे अनंत कोट गए वेद, गरीबदास गति अगम है कोई न जाने भेद, अनंत कोट ये साले मर्गे और साथ सेवन हार, ये ना जाने कितनी मूर्ति टूट गई और साथ में तुम पूजनीय मर लिए, गरीबदास अगम पंथ इस जुल्हे को दीदार, उस स्थान का मुझे मालूम है, मैं इस दुल्हा जिसने तुम दानक कह रहे हो, दानक के पास हो सारी शक्ति और सारी विधि, तुम इसको स्वीकार क्यों ना करते, तुम क्यों उदमस्तार रहे हो। काजी पंडित सब गए वो साहस सिकंदर पास, गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश, गरीबदास जी कह रहे अरे एक भी नो कहनिया नहीं, कमाल के आदमी हो तुम, ये क्या कह रहा है, तुम सारे एक तरफ खड़े हो, अरे इतने प्रमाण देख लिए तुम फिर भी नहीं मान रहे हो ये भगवान है। तो गरीबदास जी कहते हैं
काजी पंडित सब गए शाह सिकंदर पास, सारे मिलकर सिकंदर जी के पास गए कि हमारी बेइज्जती करता है। दूसरी बार गए फिर वो लाड़ा गिन गए। गरीब दास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश, कि उस नगरी में सारे की बुद्धि वो पत्थर पड़ गई, एक भी नहीं कहने वाला नहीं रखो, पीछे पड़ रहे हो पता गलती के बताओ, तुमने कहे मांस मिट्टी ना खाओ भाई, अच्छी भक्ति करो, ये खाओ ये ना खाओ, एक भी नहीं कहने वाला नहीं, सारे एक पक्ष में। और क्या कहते हैं, कबीर और रविदास ने यह भक्ति बिगाड़ी समूल, उलाना दे रहे हैं, उल्टा दोष दे रहे हैं रविदास और कबीर साहब को, इन दोनों ने भक्ति बिगाड़ दी, ये बकवास करें सारी झूठ बोल रहे हैं। कबीर और रविदास ने भक्ति बिगाड़ी समूल, गरीब दास दो नीच हैं, ये करते भक्ति अदुल, के दोनों नीच हैं ये, और भक्ति को के विपरीत बात कर रहे हैं, जो हम साधना करें उसको गलत बता रहे। हिंदू से नहीं राम राम और ना मुसलमान को सलाम, गरीब दास दो दीन बीच ये दोनों बेकाम। अब जो कहे ना तो कहेंगे राम राम करते ना सलाम करते, तो वो रखे बोल रहे सच्चा है, अरे ये दोनों बेकाम आदमी है, अरे ने नाक में दम कर रखा हमारे। सिकंदर लोदी को शिकायत करते समय बोल रहे हैं। उमटी काशी सब गई सट दर्शन खलील, गरीब दास दोनों नीच हैं, इनको मारत ना कोई ढील, एक बंदी सन्यासी ता सिमटे हैं बैराग, गरीब दासों तन कन फटा भई सगन सदन से लाग। अब क्या कत बता रहे हैं गरीब दास जी के, दंडी स्वामी लठाए डागरे धरती में नहीं रखते, दंडी स्वामी बोलते ये पूरे के पूरा ग्रुप, और सिमटे हैं बैरागी, गरीब दास वहां कन फटे कान पड़वा रखे गए नाथ, और वही सब से लाग, यानी सबके साथ ही उनकी ऐसे होगी लाग, नहीं होगा उसकी लगगी उनकी, क्योंकि तो परमात्मा सत्य है वो माने नहीं, तो अपने आप दुश्मन मान लिए उन भोले व्यक्तियों ने परमात्मा को। तो गरीब दास चित्रार्थ कर रहे हैं कि सबके साथ उनकी लाग होगी लगगी। दंडी सन्यासी सिमटे हैं बैराग, गरीब दास ताकन फटे भई सबन से लाग, एक उदासी बनखंडी फूल पान फल भोगे, गरीब दास मारन चले सब काशी के लोग, गाल बजावे बम्ब बम्ब मस्तक तलक संदूर, गरीब दास कोई भंग बखे कोई उड़ावे दूर। अब जिनको पता लग गया सारे रविदास और उनके साथ झगड़ने के लिए चल पड़े, कहते कोई तो बम्ब बम्ब करता रहा है, कोई माथे पर सिंदूर ला रहा है, कोई भांग खाओ पियो एक ठूठा मार गए, और कोई को बोर उड़ाता रहा है, सारे बकवादी इकट्ठे हो रहे। जुल्हे और चमार पर हुई चढ़ाई जोर, गरीब दास पत्थर लिए मारे दुल्हाए तोर। अब वो सारे आगे के लिए पत्थर हाथों में ले रहे, जय तू आज हार गया और तेरी विजय नहीं हुई तक तुझे यही मार मार के पत्थर दोनों को मारेंगे, ऐसी कंडीशन कर दी, ऐसा गरीब दास बताए। फिर क्या बताया, पंडित और बैराग सब हुआ इकट्ठा आने, गरीब दास एक गुल भया चौकी धरी पासाण, एक पित्तल की मूर्ति एक चांदी का चौक, चांदी की तो चौकी बना रखी, पत्थर की भी पित्तल की मूर्ति रख रखी, कोई सोने की कोई कांसी की, एक पीतल की मूर्ति एक चांदी का चौक, गरीब दास एक नाम बिना यो सुनना है तेरे लोक। अब वो दो उन्होंने अपने अपने जुगाड़ जोड़ रखे थे, एक चांदी की पाटड़ी बना रखी, इसके ऊपर एक सोने की मूर्ति एक चांदी की मूर्ति तो रखी पीतल की, तो कहते हैं भाई एक परमात्मा की भक्ति बिना तुम्हें तीन लोग ठिकाना नहीं, इन मूर्तियां से कोई लाभ होने वाला नहीं है, ऐसा भगवान उनको समझा रहे थे जब वो उसमें व्यस्त थे। काशीपुरी के सालगम सब ऐसे मट्टे आए, एक सोने की सालगम गरीबा पैराने, गरीब दास इस मनुष्य अकल बड़ी के स्वान। कहते परमात्मा कह रहे थे कबीर साहब, गरीब दास जी बता रहे हैं कि कोई सोने की मूर्ति बना रहे हैं उसको पूज रहे, कोई चांदी की कोई पत्थर की बना रहे हैं,
कहते इसे मनुष्या कहते अकल बड़ी के समान, कि ये तो एक पशु के समान व्यक्ति है, जब कुछ सुनते नहीं रहे, ऐसी पूजा कर कर भगवान पाना चाहते हैं। देखो पुणात्माओं, परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, यह भूल थी हमारा। अब जैसे एक सेब है और सेब के गुण हमने सुन रखे हैं, बहुत बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा पौष्टिक है, खाने से ये लाभ होता है, तो सभी की इच्छा बनती है। और वह मूर्ति दिखा दी कि ऐसी मूर्ति ये है सेब, जैसे आजकल पत्थर का ऐसा गजब का सेब बना देते हैं, ओरिजिनल फेल कर दे। कई बार ये फल बेचने वाले देखे, उसने वो ऐसे बना रखी होती है, उन्होंने फल रखने के पोर्शन से खाने से बना रखे होते। उसमें एक बार दस सेब लेने गया था, तो सेब शाम के समय तो वो छांटते छांटते जिस उनमें छांट छांट कर सब उठाया करते, वो छांटते छांटते भी खराब बह रही थी। तो मैंने कहा भाई तू इनमें से क्यों दे रहा, ये ऊपर से उतार दे, ये दे दे बढ़िया सेब। वो बोला वो नहीं देने की। मैंने कहा भी अच्छा आदमी है तू, पैसे और ले ले, एक रुपया दो रुपया ज्यादा, तू ये क्यों ना देता। कहने ये देने की नहीं है, वो यूं ना गए पत्थर की है, तू उसने उठा के दे दिया, ले ले हाथ में दरीवत रह गए, जो वही तो पत्थर है वो ऊपर ओर कर दिया। दस पांच दस नारी ले रहा था कि उस नो दिखने का स्टॉक बतेरा, इसके पास नो देख कर लोग आ जा, वो कुछ ऐसा जाल होता है इनका। तो वो सेब उन वर्तमान सेबों से अच्छी लग रही थी। तो परमात्मा ये कहा करते कि तुम चाहे तो सोने की बना लो मूर्ति और चाहे चांदी या पत्थर की। देखो मूर्ति तो उसका स्वरूप है, वो गुण मूर्ति में नहीं है। जैसे सेब का वो स्वरूप था पत्थर की बना रखी थी, उस पत्थर में वो गुण वो लाभ नहीं मिल सकता। वो तो सेब खोजो कित पावे, इतनी सी बात कहा करते। वो सुने नहीं करते कि उनकी तो रोजी रोटी थी। अब सुनेंगे हम, भगवान ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, ऐसा जहान दिया और सब कितना सुंदर वातावरण आज देखना। अभी तक तो इतनी बिजली गिरी नहीं है, मांस मिट्टी शराब की विकारों की, वैसे परमार तो होगी लेकिन अब छूट जाएगी। मैं देख रहा दास कितने पवित्र आत्मा त्याग दी जो पहले गलतियां करते थे। वैसे जिस तरह समाज बिगड़ा है ऐसे सुधरे भी का टाइम वैसे ही लग जाए, एकदम नहीं बिगड़ा, बिगड़ते बिगड़ते सैकड़ों वर्ष लग गए। 50 वर्ष पहले कोई ऐसा विकार नहीं थे, 50 साल में कितनी बिजली गिर गई हमारे देखते देखते। तो अब 5-4 वर्ष में ये ऐसी वापस सोच भी होगा होगा, क्योंकि भगवान का विधान और ताकत है सब समझ सकती है। अब कहते एक सोने की सालग मुरजरी बाब पैरान, सोने की मूर्ति बना रखी, उस पर भी हार पड़ा रखे सुंदर सुंदर। कहते जब यह सारी सोने की है, फिर ये और सोने की माला बुला क्या क्या खाक काम करी इसके ऊपर। गरीब दास इस मनुष्य अकल बड़ी के स्वान, ये तो कुत्ता अच्छा कि नहीं अकल अच्छी, ये कहना चाह रहे परमात्मा। कहते कुत्ता मुख में मूत है, ये कैसे सा लग रहा है थरे किसे भगवान, थरे कुत्ते के मुंह में तो कुत्ता मूत गया थरे भगवान के मुंह में। गरीब दास दुल्ला कहे थारी अकल गई किस गांव में, तारी अकल कौन से गांव जा रही है। इसमें तो अभी भगवान मान रहे हो, कुत्ता मुंह में मूत गई, बचा भी ना सका, वो मुंह तो मोड़ लेता नुक से तुम्हें, या टांग तोड़ देता कुत्ते की, भगवान होता थे। कुत्ता मुख में मूत है, ये कैसे सा लग रहा है। गरीब दास दुल्ला कहे अकल गई किस गांव में, धोए धाए कर निक्के किए, दो धा के फिर साफ किए और फिर आ मारी धार, दूसरी बार फिर कर गया काम। गरीब दास उस पुरी में वो दुल्ला हंसे चमार, दोनों हंस रहे पर परमात्मा और उसका बच्चा साथ हंस रहे हैं, वाह रे पिंड तो लगे रहो। 3 बार मुख मोतिया ये सालग बहे असोद, गरीब दास तो वेद में ना मूर्ति की बुद्ध। अब देखो बुद्धि माने ज्ञान है। अब परमात्मा कह रहे हैं कि 3 बार कुत्ते ने मूत दिया, सारी मूर्ति तो होगी अशुद्ध, और इन चारों वेदों में इस मूर्ति का ज्ञान नहीं है कि तुम ऐसी पूजा करो, और वेद को ठाए फिरते हो। वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बच्चे पुराने ठहरा, और पत्थर की पूजा करो ये भूल गए सृजनहारा।
अब ज्यादा समय ना लेकर के कहने का भाव ये है, लास्ट में फिर उनका यहां फैसला हुआ। सिकंदर बोला कि आप करो दया, उस समय परमात्मा ने एक बार पुकारा था, जय हो बंदी छोड़ सत्साही, अपने आप उठ के सारे और उनकी गोदी भागे अपने आप में चल के। तब वो पत्थर शर्म मारे है कि दानक के पास कैसे चली गई अब भक्ति। परमात्मा बोले दानक के पास पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, काम लाभ लेना तो उठा लो, ना पछताओगे। कति समझा है तो सर दरपाओ भौर नहीं रे ऐसा दाओ। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु, गरीब दासी वक्त जात है रोगे इस पैरे नु, गरीब दासी वक्त जात है रोगे इस पैरे। कहते तुम तो सच्चा भगवान है सफेद, कहते श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज है, सिर पर छत्र है सफेद और मुकुट है उस परमात्मा के, और देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दासी वक्त जात है रोग इस पैरे नु। ये हाथ से मनुष्य जीवन छूट जाएगा, फिर समय को रोया करोगे कुत्ता बनकर ऊपर न मुंह करके, और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समझा है तो सत्तर पाओ और बहुर नहीं रह सका। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से संबंधित हो चुके हो, आपकी बहुत ही अच्छी किस्मत है, धनभाग हैं आपके, जो कि आपको ऐसे समय में ऐसे प्राइम टाइम में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और मानव शरीर प्राप्त जिन प्राणियों को परमात्मा पाने की लगन लगी है, तड़फ है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत के प्राणी हैं। उनसे भी अच्छी किस्मत उन प्राणियों की होगी जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़कर इस दास से दीक्षा प्राप्त कर लेंगे। आप उन्हीं पुण्यात्माओं में से हैं, आपके ऊपर परमात्मा ने रहम करण में कोई कसर नहीं छोड़ी। परमात्मा कहते हैं सो छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए ना जाने कितने छल छिद्र कितने बनाता हूं। सतलोक आश्रम में और इस सत भक्ति को ग्रहण करने में कोई भी कारण आपका आड़े आया है, वो परमात्मा की ही देन समझ लेना। और कुछ आपके पूर्व जन्म के कमजोर संस्कार, बुरे संस्कारों का भी सहयोग रहा है। आपके साथ में पुण्य संस्कार भी थे और साथ में बुरे संस्कार भी थे। बुरे संस्कारों ने आपके ऊपर दुख कहर तोले, और आप जी जो साधना पहले कर रहे थे उसको करते करते आप सुखी महसूस कर रहे थे, कोई कष्ट आया नहीं था। और जब आपके ऊपर संकट आए, पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, आपकी प्रारब्ध की वो रूपरेखा शुरू हुई, दुखों का दौर चला, तो उस समय आपकी जो वर्तमान की सब साधनाएं व्यर्थ हुई। फिर आप जिन्हें सोचा कोई और साधु संत के पास चलें, वहां भी आप गए, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। और यहां क्योंकि जो वस्तु जिससे सुख होना है, जो औषधि जिस हॉस्पिटल में है जिससे वो रोग कटना है, तो रोग उस औषधि से ही कटेगा। केवल बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लेने से, बड़े बड़े बोर्ड लगा लेने से औषधि उस रोग नाश की है नहीं। तो वहां बेसिक वो
रोगी रोग मुक्त होंगे, लेकिन अंत में उनको निराशा ही हाथ लगती है। आप जो यहां पहुंचे हैं, आपके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा यदि आपने ये ज्ञान समझ लिया। उन आत्माओं यदि परमात्मा इतना ही आदेश देते कि सबको आशीर्वाद दे देना, सब ठीक होते चले जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी हो जाना था। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पहले हमें पहचानो, समझो, और हम क्या उद्देश्य लेकर के आपको दीक्षा दे रहे हैं इसको भी गहराई से जानो। और जिस दिन आपकी ये दृढ़ आस्था हो जाएगी कि कबीर इज गॉड, उस दिन देखना आपके घर में कितने सुख शुरू होंगे। पल पल में परमात्मा की मेहर दिखाई देगी। परमेश्वर ने स्पष्ट भी किया है, जब आप परमात्मा का भोग लगता है वाणी को, उसमें एक शब्द आता है कि मोकू का खोजा रे बंदे, ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना किसी काशी कलाश में। अंत में भगवान कह देते हैं कि यदि तुझे विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा हूं, तो उस दिन समझ लेना मैं तेरे पास हो गया, मैं तो विश्वास के अंदर हूं। और विश्वास कबीर साहब पे ये काल होने नहीं देता कि कबीर वो दानक दुल्हा जो काशी में रहता था, वो भगवान, वो परमात्मा और सबका रचनहार। तो एक बार सिर घूम जाता आदमी का, कैसे कैसे हो सकता है। तो ये तो ऐसे कैसे हो या ना हो, पर ये सच्चाई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नंभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। तो ये कि कबीर परमात्मा है, और आपको कद विश्वास होगा उसके लिए प्रयत्नशील है, इतने प्रमाण दे रखे आपको अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, उनसे प्रमाणित कर दिया कि वो जो कबीर है, जिसको अल्लाहू अकबर कहते हैं, जिसने छह दिन में सृष्टि रची, सात मंदिर तखत पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा, और उसका नाम कबीर है। ये हमारे सदग्रंथों ने, वेदों ने प्रमाणित कर दिया, भी वेदों ने भी प्रमाणित कर दिया, पवित्र वेदों ने, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने, और पवित्र महापुरुषों की अमृतवाणी ने, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने भगवान को देखा, उस दानक रूप में देखा, और सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में देखा, उन परमात्मा, उन महापुरुषों ने कहा है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। आदरणीय नानक साहिब जी ने एफिडेविट दे रखा, अपनी आंखों देखा भगवान को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, और जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशीमा कबीर हुआ, और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। दादू साहब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, ऐसे ही जैसे गरीबदास साहिब जी को, जैसे नानक साहिब जी को लेकर गए थे, फिर छोड़ा था वापस अपना विटनेस बनाने के लिए। दादू साहिब जी को भी लेकर गए थे, और दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, यो कबीर सृजनहार। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, जिनको परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, उन्होंने भी यही गवाही की है। तो अब इससे यह सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कबीर साहब है। कबीर कौन सा कबीर? जो काशी में, जिसको हम धानक दुल्हा कहते थे। तो जिस दिन आपके हृदय ने ये बात मान ली, और ये भी तब समझ पाओगे जब आप ज्ञान समझोगे, और ज्ञान में ये भी समझ पाएगी कि ये सुप्रीम पावर है, सबसे शक्ति सर्वशक्तिमान यही परमात्मा है, और ये हमारे सब पापों का नाश कर सकता है।
बाकी ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना गणेश जी, ना राम, ना कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म और ना पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। केवल परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष कबीर साहब ये हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए पापों का भी नाश कर देते हैं, और जो पहले के संचित कर्म जिनके आधार से हम आगे लक्ष्य राशि प्रकार के प्राणियों के शरीरों में हमने दुख उठाना था, वो मूल वो संचित को कर्म है उसका मूल 84 लाख योनियों में जाने का, तो परमात्मा उनको भी फूकेंगे, उनको भी नाश करेंगे। कर्म भर्म ब्रह्मांड के मैं पल में करूं नेश, जिन हमारी दुहाई जी सो करो हमारे पेश, कबीर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, हृदय धरो का मतलब है जो हृदय से मान लिया कि सचमुच ये मंत्र है, गॉड गिवन है, तो परमात्मा का दिया हुआ, भगवान का बताया हुआ, और उसकी प्यारी आत्माओं जिनको हम महान संत मानते थे उन्होंने यही जाप किए, तो ये हृदय में तब समाएगा कि सचमुच हम जो साधना करें फाइनल है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भक्ति नहीं है जो श्रेष्ठ है। तो तब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, तभी नाश हो जाएगा सब पापों का, और जैसे चिंगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, तो 1 लाख टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जलाकर उसमें लगा दे, उसने सारे न जलाकर राख कर देगी और चलेगी फिर तेज आंधी उस स्थान को भी साफ कर देगी। ऐसे आपका पुराना घास यानी पुराने संचित कर्म धर्मराज के दरबार में आपके अकाउंट में ढेर सारे बिना गिनती के, तो मालिक उनको भी फूकेगा, तभी तो लग 84 लाख योनियों में जाने से हम बचेंगे, और आने वाले जीवन इस जीवन में जो दुख हमारे कर्म के होंगे, पिछले संस्कार हैं ये, पिछले संस्कार से आज सुखी है जिस नकली सुख को हम सुख मानते हैं, और पिछले संस्कारों से पापों से हम दुखी, तो परमात्मा इस प्रारब्ध के पाप को भी नाश करेगा। तो तभी हम इसलिए भगवान की खोज करते थे कि हम पर कोई आपत्ति ना आवे और हमारे बच्चे भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ठीक ठाक अपना जीवन निर्वाह करें और भक्ति जरूर करें। तो पहले तो हम केवल कहीं जाते थे तो जैसे ये होता था बिजनेस में अच्छा लाभ हो, बच्चे सुखी हो, बस दैट्स ऑल। अब हमें वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि मोक्ष पहले हो, छोटा मोटा कष्ट भी बेसिक बना रहे पर मोक्ष हो, तो कष्ट भी नहीं होने देंगे भगवान, तो मोक्ष देंगे तो कष्ट युक्त व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा, और घना सुखी हो गया तो भी भक्ति नहीं करता, ये भी परमात्मा ने खूब मालूम है, वो बालक नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिस समय आप हमारी शरण में आ जाते हो, परमात्मा कबीर जी की शरण में, तो उस समय आपको यह दृढ़ विश्वास कराना अनिवार्य है कि कबीर भगवान है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं, और इससे अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं जो सतलोकासन बुरुवाला जिला हिसार में यह दास प्रदान कर रहा है। तो उस दिन आपका हाथ पकड़ लिया भगवान ने, और समर्थ जिसका साथ देता है वो छोड़ता नहीं फिर, तो सबसे पहले आपने परमात्मा पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा। कुछ भगत तो ऐसे आते हैं, टीवी किसी ने बता दिया कि उस टीवी में देखो बड़े लोग सुखी हो रहे हैं, और वो एक बार देखते ही भाग लेते हैं, बस हम तो ठीक होने जा रहे हैं, इस उद्देश्य से यहां आने की कति आवश्यकता नहीं कि हम ठीक होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इंटरव्यू जो भक्तों के अनुभव आते हैं उसके साथ साथ ज्ञान भी बहुत बताते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए आप जी ने कि हम उद्देश्य क्या ले रहे हैं ये सुख देने का। तो सबसे पहले यहां आने वाले भक्त को ये जान लेना चाहिए कि हम मोक्ष देते हैं, हमारा ठेका मोक्ष देने का है, यहां पर हमारा मूल जो काम है आपको जन्म जन्म असंग जन्मों के संकट से, इस दीर्घ रोग से, जन्म और मृत्यु के रोग से छुटवाने का हमारा मूल काम है। बाकी रहे जो कष्ट हैं आप पर ये भी डिमांड करने पड़ेंगे, जब आपसे भक्ति करानी है भगवान ने तो
संकट में भक्ति हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत संकट भगवान जानकर रखते हैं, क्योंकि सुखी होते ही जीव भगवान बोलता है। ये ऐसी बुरी आदत है हमारी। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने गासे। आपके संचित कर्म समाप्त होंगे, और फिर जब संचित कर्म यानी पाप कर्म आपके हृदय में बेचैनी पैदा किए रखते हैं, और जब इस मंत्र के जाप से आशीर्वाद से धर्म कर्म जो आपको बताए जाते हैं सब से मिलकर ही वो नॉर्मल होंगे, जैसे कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है, तो उस ज्यादा मैला है तो कुछ तो इतना ही मैल होता है। जैसे कई भक्त ये सोचते हैं कि एक भक्त कह रहा था मैं यहां आया आते ठीक हो गया, दूसरा कह रहा था मैं तीसरी बार में मुझे राहत मिल गई, एक कहता मैं छह बार आ लिया मुझे राहत मिल नहीं रही। ये उसकी भूल और अज्ञानता है। जैसे किसी का कपड़ा थोड़ा मैला है तो पानी में डाल दो, धूल धाल लग रही है तुरंत उतर जाएगी, साफ हो गया। और जिसका उससे अधिक कुछ मैल लगा है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा, एक बार भी ना हो तो दो बार धोना पड़ेगा, और तीसरी बार भी धोना पड़ सकता है जब मैल गणा होता, साबुन सुबुन फिर भी लाना पड़ जाए। लेकिन तरीका यही है उसको साफ करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। वो एक बार में साफ होता है, दो बार में होता है, फिर 100 बार में होता है। कहने का भाव ये है कि पहले ज्ञान समझें, फिर सब समाधान से परिचित हों कि इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और कोई पृथ्वी करने वाला नहीं। और ये शंका तो पहले सब जगह घूम फिर के फिर बाद में आया करो, यहां पर जल्दी काम बनेगा। यहां से फिर भटक कर कहीं और जाते हैं, फिर मालिक देर से सुनता है उनकी, ये और दिक्कत आ जाती है। हम प्रत्येक सत्संग में आपको सूचना देने की कोशिश करते हैं कि पहले आप ये फैसला कर लो कि इस पृथ्वी पर कोई और भक्ति नहीं और भगवान नहीं, और फिर सच्चे दिल पर भक्ति करो, फिर देखो ऐसे ऐसे सुख है परमात्मा, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ऐसे कर सुना करते ऐसे करता और आपको होया करेंगे डेली। तो क्या बताते हैं कि जब आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा, फिर आपके हृदय में भगवान की चर्चा सुनकर आंखों में आंसू आया करेंगे, जरा सी भी मालिक की महिमा कभी चलेगी, आंखें भर आया करेंगे आपकी, तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा और ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छा गए, और ये वास्तविक लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। जैसे सूरज का आगे बादल होते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश प्रॉपर हमारे पास नहीं आ पा रहा, तो हम उससे वंचित है, ना कपड़े सूख पाते, ना और कोई वस्तु ठीक से सेट हो रही, गिल्ली गिल्ली पड़ी है। तो जब हवा तेज चलेगी, बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, फिर सीधा प्रकाश हमें प्रॉपर पूरा प्रकाश उसका सूर्य का प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ शुरू हो गया, फिर जो चाहिए था। इसी प्रकार कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलक तेज नया। तो इस प्रकार आप जी निर्मल होंगे। आप हमने असंग जन्मों से अपना अंतःकरण रूपी ये कपड़ा घना मैला कर रखा है, और इतना मैला कर लिया कि जैसे कोई वर्कशॉप पर मिस्त्री के कपड़े होया करे, उन कपड़ों का कलर तो छोड़ दो भी नहीं पता, यू कपड़ा है चमड़ा है, इतने काले हो जाते हैं। और उनको फिर धोने के लिए साबुन भी ला लेंगे, सोडे में भी उबालेंगे, और फिर ड्राई क्लीन करने के लिए भी उस प्रोसेस में भी देना पड़ेगा। जब दिखेगा कि कपड़ा है और किसे कलर का है, तो इस प्रोसेस में आपको यहां आने के बाद शुरुआत की जाती है। जिसका जितना कपड़ा मेला अधिक है उसको समय लगेगा, लेकिन है गारंटीड बात कि सारा सुख होगा और पूरा मोक्ष होगा, आपका सब संकट भी निवारण होगा। ये तरीका हमारे पास कंप्लीट है, भगवान का दिया।
और कोई भक्त कहते हैं हम चार बार आ लिए हैं हमें कोई राहत मिल नहीं रही, और कई भक्त अधिकतर कहते हैं कहने लगे जी कैंसर का रोग था वो तो कति ठीक हो गया, एक थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है। कोई बात ना बेटा, जब भगवान ने इतना भयंकर रोग ठीक कर दिया आधारी दिक्कत उसके लिए क्या बड़ी है, पर इसने करेगा अपने हिसाब से। अगर सारे कब ठीक कर दिए फिर वह बकवाद शुरू हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा तुम्हारे यहां, ना तुम भाग जाओगे फिर काल के पाले में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा इतना सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, आपका नाम की याद ना रहे। आग लगे से सुख के भगवान बताना चाहते हैं, और इतना दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। तो ये परमात्मा का काम है। जब आप इसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जन्म मरण के रोग काटन का ये एकमात्र ऑपरेशन थिएटर है सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, तो उसके उस रोग का नाश करने के लिए पहले सारी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे शुगर बढ़ रही है पहले उसने ठीक करेगा डॉक्टर, या कोई और दिक्कत है पहले उसको पूरा करेगा। तो मोक्ष प्राप्ति से पहले आपके ऊपर जो जो संकट है उनको सेट करेंगे, तभी तो ये मोक्ष का ऑपरेशन होगा। तो जो दुख तुम्हारे ऊपर है पहले इनको ठीक करेंगे, अवश्य करेंगे, फिर समय बेसिक लग जाएगा, अपने हिसाब से करेंगे। और किसी के कुछ ऐसा दिक्कत है नहीं तो सीधा ऑपरेशन हो जाता है उसका। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से भी आपने सिद्धांतम मार्ग को, ये भी विज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, मूल ज्ञान कहो, ये अध्यात्म विज्ञान है। इस तरह परमात्मा अपने हिसाब से करेगा। तो इस प्रकार आपने जल्दी नहीं मचानी चाहिए। अब जैसे कई कहते हैं जी हमने ज्योति भी वो यज्ञ भी करा दिया है, हमने एक पाठ भी करा दिया है, अभी भी कुछ घर में थोड़ी बहुत दिक्कत चली रही है। तो पुणात्मा ये विचार करना चाहिए, कोई कई भक्त दिक्कत ऐसे बिना ज्ञान के विचलित हो जाते हैं। एक कह रहा था कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे कर रही थी, ये कर लिया वो कर लिया, मैं तो इस नाम को ही टागूंगी। एक बहन कह रही थी वहां बहुत अच्छा संत है वहां जाऊंगी। तो पुणात्मा देखो यही दास समाप्त करना चाहता है कि पहले आप ज्ञान समझो, जब तक ये मन में है ना तो आपको कति लाभ नहीं होते यार रोज बैठे रहें। सबसे पहले एक तरफ हो जाओ कि पृथ्वी का भगवान इस कबीर परमात्मा जैसे भगवान नहीं, और इस सतलोक आश्रम बरवारा जिला हिसार जैसा इस दास के द्वारा दिया गया ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसे भक्ति विधि नहीं पृथ्वी पे। और ये गारंटीड दास आपको प्रमाणित भी कर रहा है और गारंटी दे रहा है। तो इसलिए इतना ज्ञान और इतना आपको प्रमाण दिखाने का दास का उद्देश्य है कि आप भगवान के इस मार्ग पर दृढ़ लगे रहे। और कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी। परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं, अगर आप थोड़े से भी डगमग हो गए तो फिर भगवान का ऑपरेशन है, निकरण दिया आप तो उठ के भाग गए, जाओ फिर थिएटर से भाग गए तो जाओ भाई वहां कौन करेगा। तो इस प्रकार आप जीने बहुत दृढ़ रहना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, और दास कोई रोजी रोटी के लिए सांग नहीं जोड़ रहा। दो रोटी भगवान ने दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी सिविल डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, और अपनी मर्जी से उस पोस्ट को त्याग कर भगवान के आदेश अनुसार इस परमार्थ काम पर दास लगा है। भगवान को खूब पहचानना है, सारा ज्ञान जाना है, तब इस मार्ग पर कदम रखा दास ने, ये तो निश्चित हो जाना। ये निश्चित हो जाना, दास तो शब्द कहेगा भगवान का होगा, दास का नहीं होगा। आपको विश्वास कब होगा, वो आपकी बुद्धि व बाल काली कद समाप्त होगी, उसकी इंतजार है। जो हमारे सस हो गए हैं नए नए आए हैं, पुराणों की तरह खत्म होगी या शंका, नए नए जो बच्चे हमारे बने हैं नाद के जो बच्चे हैं,
हमारे दो प्रकार से संसार बताया है, एक तो माता पिता से बनता है उसको बिंद कहते हैं, बिंद का परिवार, और एक नाद के बच्चे होते हैं जो गुरुजी से दीक्षा जो ले लेते हैं तो वो गुरुजी के बेटा बेटी हो गए उस दिन से, जिस दिन उन्होंने नाम लिया उस दिन उनका जन्म है। तो आज जो पुराने बच्चे हैं बड़े काफी समय से दीक्षित हैं वो तो सब समझ चुके हैं, वो तो निरसंशय हो चुके। जो नए बच्चे हैं दीक्षा ले भी ली है, साल डेढ़ साल हुआ है, ज्ञान अभी पूरा समझ में आया नहीं है, तो बालक है अभी। अब जैसे बालक कोई पेन उठा लेता है और उस पेन को उठा के अपने पिताजी से पूछता है, पापा जी ये क्या है? वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है ऐ पेन है ऐ, वो ऐ करता करता उसने रख देता है, क्योंकि वो ना तो ये भी उसकी बुद्धि इतनी निकल सक सोचता कि पिताजी से जो पूछ रहा हूं ये गलत बता रहा है, इतनी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिताजी कह क्या रहे हैं, वो ऐ ऐ करता ना, तो वो नकारता है कि पिताजी गलत बोल रहे हैं और ना उसका समझ मारी कह कह रहे हैं ये चीज है इसने पहन कह रहे हैं। तो जब उस वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी ऐ मिट जाती है और फिर उसको कहते हैं बेटा वो पेन ला उठा के, बेटी भाग जाता है पेन उठा के लाता है, उस दिन उसकी ऐ मिट गई। तो जिस दिन आपकी वह ऐ मिट जाएगी उस दिन देखियो दो हाथ भगवान के, या ऐ मिटाने के लिए इतना सत्संग और प्रमाण दिए जाते हैं। तो क्योंकि आप हमारे बच्चे हो गए सस हो गए, आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि जो गुरु बोलते हैं वो सत्य है, लेकिन उन नकली गुरुओं के पास वह सत्य भी नहीं थी, गुरु भी असली हो, असली गुरु ही सत्य बोलते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, किस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे आज सत्य भक्ति बताने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला कोई संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या आज ये ऐ मिट जाओ आपकी, चाहे दो वर्ष के बाद मिटेगी, सच्ची पावेगी नो की नो। और जब ये ऐ मिट जाएगी तभी भक्ति आपकी प्रारंभ होगी। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन जब भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भगत बनेगा और भक्ति स्टार्ट होगी, ना तो डगमग आदमी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। तो यहां परमात्मा भी कहते कह कि विष्णु भी साधो मैं तो हूं विश्वास में, और विश्वास दास कराकर छोड़ देगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि सारे प्रमाण है, शिक्षित है, सब सदग्रंथ हमारे पास है, ऐसे मालिक ने इंस्ट्रूमेंट दे दिए कबीर भगवान ने बनवा के, घर बैठे देखो मोबाइल में देखो अपने डाल कर सत्संग, और 6 जगह मिलाओ किसी से प्रमाणित करवाओ। अब सोना तो सोना ही रहेगा चाहे किसी पर जांच करा लियो। तो दास ने आपको वो हीरे मोती लाल दे दिए हैं जो आपको अध्यात्म मार्ग में धनी बनाएंगे। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। फिर क्या बताते चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हे लरे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं परमात्मा कि हम मैं खुद चार युगों में आया, सतयुग में सत सुकृत कैटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हे लरे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? धीर सिंह बिष्ट। कहाँ से आए हैं आप? केदारनाथ उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 11 सितंबर 2011 को। सर आप केदारनाथ से बिलोंग करते हैं और केदारनाथ चार धामों में से एक धाम गिना जाता है और वहां पर लाखों की संख्या में हर साल दुनिया जाती है, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? सर मेरे एक मित्र थे संजय पाल जी,
वो भीरी में रहते थे और वो अखंड ज्योति जलाना, मौन व्रत रखना और बजरंग बली की भक्ति करते रहते थे। एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और नेट पे सर्च किया तो वेबसाइट मिल गई संत रामपाल जी महाराज जी की, और उन्होंने दूसरे दिन सीधे टिकट बुक किया गाड़ी का और वो बरवाला आश्रम पहुंच गए। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब संजय पाल जी आप कहाँ हो? उन्होंने कहा मैं यहाँ बरवाला हूँ और आके आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मार्ग सुनाया, तो उन्होंने दो चार महीने तक मुझे कान पे लीड लगा के सत्संग सुनाते रहते थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप वहां चलो बरवाला में, वहां पूर्ण कबीर साहब जी के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आ रखे हैं। तो मैं उनके साथ गया तो वहां सत्संग चल रहा था, तो मेरी तो पहले समझ में कुछ बात नहीं आई। फिर धीरे धीरे वहां पे सत्संग सुनता रहा तो गुरु जी का सत्संग चल रहा था संत रामपाल जी महाराज जी का, कि भक्तों जब आप वो बाजार से मटका लाते हैं 2 रुपया का तो उसको भी ठोक बजा के लाते हैं, कहीं ये लीकेज तो नहीं है। तो अगर आपने आध्यात्मिक गुरु किसी को बनाना है तो आप उसका ज्ञान मार्ग पढ़िए, उसकी भक्ति सुनिए और वेद पुराण गीता उपनिषद को पढ़िए, तब जाके गुरु बनाए। तो मेरी बुद्धि में बात आई, मैंने कहा ऐसे तो मैं पहली बार देख रहा हूं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कोई बोल रहे कि भाई ऐसे ऐसा देख लो आप। तो फिर मैं आया तो मैं सत्संग सुनता रहा और मैंने ज्यादा देवी देवताओं की पूजा तो की थी नहीं, लेकिन मैं उसके बाद देवताओं की वो हाथ जोड़ना भी बंद कर दिया और सुबह के नित्य नियम दोपहर और शाम की आरती उनके साथ करने लग गया। तो मैं 6 महीने तक उनके साथ बरवाला आश्रम चलता रहा। तो फिर मुझे लगा कि यार यही मार्ग है पूर्ण परमात्मा जी का और संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग में बता रहे हैं वो सही है। फिर मैं नामदान दीक्षा ले ली मैंने बरवाला आश्रम में। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, लेकिन आप केदारनाथ जो कि खुद एक धाम के नाम से गिना जाता है, तो आप बचपन से ही केदारनाथ में भक्ति नहीं करते थे क्या? सर जी मैं बचपन में बजरंगबली की भक्ति करता था, बजरंगबली जी की। अब क्या हुआ, मैं 6वीं में पढ़ता था, शायद 11 साल मेरी उम्र थी, तो मैंने उनको अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई तो मैं चले गया स्कूल अपनी नजदीक के स्कूल में, तो वो अगरबत्ती की लौ पूरी दीवार चाट गई और पूरा बिस्तर जल गया, घर जल गया मेरा। तो बगल में मेरी किसी भाभी जी ने मेरी माता जी को बताया तुम्हारे यहां तो धुआं आ रहा है भाई, वहां देखा तो पूरा बिस्तर और छत छुत खत्म हो गई लकड़ी की। तो उसके बाद मुझे लगा ये तो बेकार है, मैं भक्ति में लगा था, बजरंगबली को मैंने जोत जलाए तो मेरा तो घर ही जल गया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये ठीक नहीं, फिर मैं आस्तिक तो था लेकिन मुझे लगता था इस विश्व को इस ब्रह्मांड को कोई परमात्मा तो चला रहे हैं, और मुझे लगता था हमेशा कि वो परमात्मा कौन है, मैं उनकी ढूंढ के लिए तैयार हो गया कि ये तो बेकार है बजरंगबली वगैरह, कोई है परमात्मा जी और कभी मिल जाए तो मैं उनके चरणों में जाऊंगा। सर आपने बताया कि आप केदारनाथ में बचपन से ही रहते थे और हनुमान जी की भी भक्ति करते थे और लाखों श्रद्धालु हर साल केदारनाथ अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, सुखों के लिए आते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केदारनाथ आकर लोगों को सुख प्राप्त होते हैं? असंभव, कभी नहीं सर जी, मुझे तो नहीं लगता केदारनाथ धाम आके दूर दराज से जो हिंदुस्तान से या संसार के श्रद्धालु लोग आते हैं उनको वहां सुख समृद्धि मिलती होगी। वहां के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हत प्रभु रह जाएंगे। वहां पे जितना भी पुजारी लोग हैं वो वहां मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको धक्का मुक्की करते हैं, उनको लूट खसोटने का काम करते हैं, वहां कोई मोक्ष नहीं प्राप्त होती है, ये इन्होंने बाह्य आडंबर कर रखा है। मैं तो बचपन से केदार घाटी में जन्म लिया और देखता रहता हूं, खच्चर वाले भी अच्छे खासे टूरिस्ट यात्रियों को जो बड़ी श्रद्धा से आते हैं कि वहां मोक्ष मिलेगा, उनको धक्का मुक्की करते हैं, बोलते तुम्हारे जैसे तो हमारे घर में नौकर हैं, तुम्हारी क्या औकात है। मैंने सर वहां पे खच्चर भी चलाए तो वहां कोई मोक्ष नहीं मिलता है, लोग नशे में जी रहे हैं। वहां पे 2013 में हिंदुस्तान की क्या कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी त्रादशी हुई है, फ्लड आया है, वहां पर असंख्य श्रद्धालु लोग मरे हैं हिंदुस्तान के, नेपाल के, बंगाल के। तो वहां पे अगर पूर्ण परमात्मा होते, भगवान होते, तो क्या इतनी बड़ी त्रादशी आती? आज तक कभी विश्व में इतनी बड़ी त्रादशी नहीं हुई जहां मौतों का पता नहीं चला कि कितने लोग मरे हैं। अभी 5 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पे नरकंकाल मिल रहे हैं। तो आप ही बताइए सर जी कि वहां पे अगर पूर्ण परमात्मा होते, मोक्ष धाम होता, तो शायद इतनी बड़ी त्रादशी नहीं होती। सर जी मैं बचपन से वहां केदारनाथ में रहा हूं, जब मुझे ही सुख नहीं हुए तो जो श्रद्धालु लोग दूर दराज से एक दिन दो दिन के लिए वहां आते हैं तो उनको क्या सुख होते होंगे, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। हमारे वहां पे हजारों लोग हैं, सब दुखी हैं, वहां पे सुखी तो कोई है नहीं,
जो श्रद्धालु लोग बाहर से आते हैं उनको एक दो दिन में क्या मोक्ष और क्या सुख होगा, मेरी तो समझ से परे है। सर आपने बताया कि आप बचपन से ही केदारनाथ में रहते हैं और आपके अनुसार वहां पर ना तो कोई सुख की प्राप्ति होती है ना ही कोई मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में बाद में आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप कैसा अनुभव करते हैं? सर मैं 11 सितंबर 2011 को जब संत रामपाल जी की शरण में आए तो मैं बहुत दुखी था, मेरे पेट के रोग थे, अल्ट्रासाउंड कराया, किसी ने कहा डॉक्टर ने कि तुम्हारी लीवर इफेक्टेड है, किसी ने कहा गैस हो गई, काफी दवाई खाई मैंने। तो उसके बाद जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में जुड़ा तो 2-3 महीने बाद मेरा ऑटोमेटिक बिना किसी दवाई के पेट दर्द खत्म हो गया। फिर मैंने उसके बाद डॉक्टरों से अल्ट्रासाउंड सीडी वगैरह कराए तो कोई बीमारी नहीं निकली। मेरी भक्तिमती जी 6 साल से जिस विद्यालय में पढ़ा रही थी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, 1 रुपया वेतन नहीं मिला था। ठीक जून 2012 में उस संत रामपाल जी की दया से उसको वेतन मिलनी शुरू हो गई। मेरे परिवार में सुख शांति का माहौल बना और मैं व्यवसाय से ठेकेदारी करता हूं, तो पहले मैं रात दिन दौड़ भाग करता था लेकिन मेरे व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक मेरा कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, औकात नहीं थी लेकिन परमात्मा की दया से मैं आज तन मन धन सुखी से हूं। सर मीडिया में हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर ये भ्रष्ट मीडिया अनाप शनाप बयानबाजी करती रहती है। संत रामपाल जी के सभी आश्रमों में निशुल्क पुस्तक भंडारा नामदान दीक्षा की सामग्री निशुल्क दी जाती है। अगर पैसा लिया जाता है तो वो केदारनाथ धाम में लिया जाता है। लूट कसौट की बात जो लोग करते हैं वो केदारनाथ में है। वहां के सर्वे सर्वा लोग जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं वो श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की लूट कसौट सोने चांदी की और अंधविश्वास दिलाते हैं भक्तों को। सर केदारनाथ में आप बचपन से रह रहे हैं लेकिन वहां पर आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए और जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो आपको लाभ प्राप्त हुए, तो आज भी जो केदारनाथ श्रद्धालु आते हैं तथा अन्य श्रद्धालु जो आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ आ रहे हैं मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा, न तो यहाँ कोई पूर्ण परमात्मा है न ये कोई मोक्ष धाम है, और मैं सभी भगत जनों को यही संदेश दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग 9-10 चैनलों में आते हैं और नीचे एक पट्टी चलती है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, और भक्त लोग समाज के लोग उन नंबरों पे फोन कीजिए और अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र में जाकर के नामदान फॉर्म भरे और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जिनके रूप में संत रामपाल जी महाराज जी इस विश्व में पधारे हैं उनसे नाम दीक्षा लेके उनकी भक्ति करें और अपना मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।